गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहा है 9:22 हो रहा है और मैं अपने ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अभी। मॉर्निंग में उठ तो जल्दी कहते पर किसी रीज़न से मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई और आप ये बाहर का व्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए बाहर का व्यू कैसा लग रहा है। ये है हमारी तुलसी मैया और इनके भी दर्शन कर लीजिए आप। और ये देखिए हमारे घर के बाहर का व्यू कुछ ऐसा दिखाई देता है। और जो भी आज का जो भी पूरे दिन का रूटीन रहेगा, जो कुछ जितना भी कुछ शेयर कर पाऊँगी करूँगी आपके साथ। और ये हमारे घर के बाहर का व्यू है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसके साथ अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो बच्चे अंदर खेल रहे हैं, ये देखिए हमारा छोटा गब्बू ये खेल रहा है, बड़ा गब्बू ये रहा, बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको कुछ देर बाद। और जैसा कि मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर दिया है तो आपको कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और ये देखिए ये मेरे घर में बना है देसी जुगाड़, यानी गब्बू का झूला, इसमें डाल के हम गब्बू को झुलाते हैं। और ठीक है, जो भी मेरा रूटीन रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए ये मैंने कल जो डब्बे वगैरह जो साफ़ करके रखे थे वो ये रहे। और रैक ऑलमोस्ट मैंने पूरा खाली कर दिया है, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पैकिंग कर रही हूँ तो पूरा रैक हमारा ये खाली हो चुका है। और थोड़े मोड़े बर्तन हैं और ये थोड़े से बर्तन हैं, इन सबको मैं अभी यहाँ से हटाने वाली हूँ, इन सबको हटा के अलग रखने वाली हूँ। और स्लिप वगैरह सब खाली हो गया, देखिए गैस चूल्हा मैंने साफ़ करके रख दिया उठा के। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलूँगी जो मेरा रूटीन रहेगा। हो सकता है मैं आपको नहाने के बाद मिलूँ। और क्या, और तो कुछ नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय बाय। हाँ तो गाइस देखिए मैं अभी गब्बू की मालिश कर रही हूँ और मालिश करने बाद इसको नहलाऊँगी, फिर गंदू को नहलाऊँगी धुलाऊँगी तैयार करूँगी। दोनों बच्चों को तैयार करने के बाद फिर मेरा जैसा भी जो भी रूटीन रहेगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल तो मैं गब्बू की मालिश कर लूँ, उसके बाद मिलते हैं कुछ देर बाद मालिश करने के बाद। गब्बू की भी मालिश करने जा रहे हैं और गन्नू को भी नहलाने धुलाने के बाद, इनको दोनों को तैयार करने के बाद उसके बाद आपको उसे मिलूँगी। ठीक है, अभी टाइम कितना हो रहा है, मैं 10 बजे तक गब्बू की मालिश कर देती हूँ फिलहाल। तो अभी जो भी टाइम हो रहा है पता नहीं, आज तो बहुत लेट हो गया है। ठीक है, और मैं मालिश करते हुए दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि गब्बू अभी नंगे लेटे हुए हैं इस वजह से। लेकिन आप अगर कहोगे तो मालिश बच्चों के साथ कैसे करते हैं इसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि बच्चों की मालिश वगैरह कैसे की जाती है, कैसे उनको तेल मालिश करते हैं। गबनू नहीं बेटा, कि इस तरह से उनको तेल मालिश की जाती है, उसके बाद उन्हें थोड़ी टिफिन छोड़ देती हूँ, मिनट उसको रेस्ट देती हूँ ताकि तेल जो होता है बॉडी में एब्जॉर्ब कर ले। देन उसके बाद नहला धोने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइज कर देती हूँ पूरी बॉडी और उसे तैयार कर देती हूँ। यही है, ठीक है। चलिए मैं इनकी मसाज कर लूँ उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए बाबू की मालिश हो गई है, बाबू मालिश करके कितने आराम से लेटे हुए हैं। और इसके बाद फिर मैं इन्हें ले जाऊँगी नहलाने के लिए, फिर ये नहाएंगे और नहा धुला के इन्हें तैयार कराऊँगी। और अभी गन्नू उधर खेल रहे हैं, अभी उनको भी देखना है, उनको भी नहला धुला के तैयार करना है। बाबू की मालिश हो चुकी है, बाबू लेटे हुए हैं आराम से और ये अपना खेल रहे हैं। चलिए मिलती हूँ इनको नहलाने के, इनको थोड़ी देर खिलाने के बाद। तब तक गन्नू को तैयार कर लेते हैं, ये थोड़ी देर खेलेंगे। तो गन्नू को तैयार करने के बाद इनको नहला धुला दोनों से फ्री हो जाऊँगी, उसके बाद मिलती हूँ आपसे कुछ देर बाद। गाइस तो अब जाके मैं फ्री हुई हूँ और मैंने अपने दोनों बच्चे रेडी कर दिए नहला धुला के। एक सो गया है, एक जग रहा है। गन्नू को लंच कराया अभी और मैंने भी लंच किया है और इस कपड़े हमारे धुल रहे हैं और अभी कपड़े धुल जाएंगे, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेटूँगी और इसके बाद हम आपसे मिलेंगे शाम को। चलिए तब तक के लिए रेस्ट करिए, आप भी खुश रहिए। गाइस अभी शाम का समय हो रहा है और मैं यहाँ पर अपना ब्लॉग एंड करने के लिए आ गई। थोड़ा थोड़ा जो भी हुआ है, मुझे पता है कि अच्छी तरीके से अभी ब्लॉग बन नहीं पा रहे हैं और पर कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा जितना भी है कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ कोशिश करती जा रही हूँ। और अभी शाम का सब वक्त हो गया है तो अभी मैं खाना वगैरह बनाऊँगी और बच्चे भी रुकते नहीं हैं, बच्चे छोटे छोटे ना तो उनको भी संभालना है, तो इस वजह से मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। कल आपको मिलूँगी मॉर्निंग में एक नई एनर्जी के साथ, नए आगाज के साथ।
और चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मिलते हैं कल सुबह एक नई एनर्जी, नई स्माइल के साथ, बाय।